हेलो फ्रेंड्स, बॉलीवुड वायरल क्लच में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रॉकी भाई यानी कि यश की आने वाली मच अवेटेड फिल्म केजीएफ के चैप्टर 2 से। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि भाई आपको केजीएफ के चैप्टर 2 का कितनी बेताबी से इंतजार है, तो भाई आप धड़ से यही बोलोगे कि भाई हम तो इस फिल्म का इंतजार कई दिनों से कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आने लगी है कि भाई ये फिल्म इसी साल सिनेमा घर में रिलीज होगी। यानी कि इस फिल्म को लेकर हाल फिलहाल में ये खबर सामने आई थी कि ये फिल्म 9 सितंबर को रिलीज की जा सकती है सिनेमा घर में। लेकिन अब इस फिल्म को लेकर जो लेटेस्ट जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है वो ये है कि भाई कहानी जहां से शुरू हुई थी वहीं पर आकर खत्म होगी। यानी कि आपको याद ही होगा कि यह फिल्म 2018 में क्रिसमस के मौके पर सिनेमा घर में रिलीज हुई थी और भाई अब पार्ट 2 को भी लेकर यह जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भाई केजीएफ का चैप्टर 2 जो है वो क्रिसमस के मौके पर ही रिलीज हो सकती है। यानी कि कहानी जहां से शुरू हुई थी विजय गाथा वाली वहीं पर जाकर खत्म होगी। और इस फिल्म को लेकर एक और बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि भाई इस फिल्म में तो अधीरा का किरदार निभाने वाले हैं बॉलीवुड के संजू बाबा और उनको इस फिल्म में जबरदस्त एंट्री देने के लिए एक जबरदस्त एंट्री सॉन्ग का भी इंतजाम किया जा रहा है केजीएफ के चैप्टर 2 की तरफ से। यानी कि भैया केजीएफ के चैप्टर 2 की जो टीम है उन्होंने ये फैसला किया है कि जैसे पार्ट 1 में रॉकी भाई की एंट्री कराई गई थी एक जबरदस्त सॉन्ग यानी कि सलाम रॉकी भाई से, वैसा ही एक सॉन्ग तैयार किया जाएगा संजू बाबा के लिए जिसके माध्यम से उनकी एंट्री होगी यानी कि उनका इंट्रोडक्शन किया जाएगा इस फिल्म में उस बेहतरीन सॉन्ग के माध्यम से। यानी कि भैया केजीएफ 2 को लेकर यह बात बताई जा रही है कि इस फिल्म में कोई कोर कसर ना रह जाए, इस बात का ध्यान इस फिल्म की टीम रख रही है। तो दोस्तों, आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि भाई जब रॉकी भाई के सामने रॉकी भाई अधीरा के किरदार में नजर आएंगे तो भैया जब इन दोनों कलाकारों के बीच में बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला होगा तो भाई विजय किसकी होगी, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो सैंडलवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड वायरल क्लच को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन